मूवी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। यमला, बगला, दीवाना। बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा और विक्रांत मैसी हम एक फिल्म में नजर आने वाले हैं जिसका नाम है लव हॉस्टल। आपको बता दें कि ये पहले थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज के बैनर तले बनेगी। और आपको शायद पता भी होगा कि इससे पहले रेड चिलीज के बैनर तले बहुत विश्वास बन चुकी है, जिसमें अभिषेक बच्चन के साथ ही साथ चित्रांगदा सिंह हमें लीड रोल में नजर आई थी। वैसे आपको बता दें कि ये ZEE5 पर रिलीज की गई थी और बिल्कुल उसी तरह लव हॉस्टल को भी ZEE5 पर रिलीज किया जाए। फिलहाल इसकी रिलीज डेट तो तय नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि फरवरी के महीने में ही रिलीज होने वाली है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बॉक्स ऑफिस फिलहाल रिकवर हो रहा है और लव हॉस्टल एक ऐसी फिल्म है जो कंटेंट पर चलेगी, इसीलिए इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का सोचा गया ताकि लोग अपने कम्फर्ट के हिसाब से इसे देख पाए। लव हॉस्टल में बॉबी देओल हमें हाईलाइट में नजर आएंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जब से उन्होंने आश्रम वेब सीरीज से वापसी की है, तब से फैंस उनको देखने के लिए बेहद इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में उनकी निगाहें सारे प्रोजेक्ट्स पर बनी हुई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इसे और कोई नहीं बल्कि गौरी खान, गौरव वर्मा और मनीष मुंद्रा डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि इसे असल में शंकर रमन ने डायरेक्ट किया है। बॉबी देओल लव हॉस्टल के अलावा अपने आश्रम 2, पेंटहाउस और एनिमल नाम की फिल्म में भी हमें नजर आएंगे। तो जल्दी से जाकर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आप बॉबी देओल की फिल्मों का कितना ज्यादा इंतजार कर रहे हैं और कितने एक्साइटेड है उन्हें देखने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।